गाइज फाइनली हेयर सो आई एम हेयर गोकुलपुर। सो अपने लिए हम है बुधागंज मंदिर। यहाँ पे सारा वीडियो हम कैच किया है इस वीडियो में। तो मेरा चैनल अगर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सो ये हिंदी वर्षन में वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर दिक्कत रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक दबा दीजिएगा। और डेवलप चाहते हैं वीडियो में कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, क्या हो रहा नहीं हो रहा है मेरे को भी पता चलना जरूरी है। सो चैनल में नया नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जो उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नया नया वीडियो हम डालते रहते हैं सिलीगुड़ी का ब्लॉग। सो आज हम हैं बोधागंज मंदिर, तो यहाँ पे पूरा शूट किया है। पूरा वीडियो देखते रहिए, आगे कुछ अच्छा अच्छा देखने मिलेगा। तो रोड शॉट भी है यहाँ पे। तो ये वीडियो हम हिंदी में बना रहे हैं क्योंकि हिंदी में बहुत सारा सब्सक्राइब बोला था हिंदी में बना रहे के, तो अच्छा होता है, समझ पाता है वो लोग। सो आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या है। यो गाइस वेलकम टू आवर चैनल, आई एम हियर गोकुलपुर। सो आपको गोकुलपुर चैनल में स्वागत है। तो आज जा रहा है बुधागंज मंदिर, जो मंदिर गजलडोबा का उस साइड में पड़ता है। तो हम भाई बाइक में राइडिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली चलिए देखते हैं रास्ता में क्या क्या आता है, तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो देखते रहिए। काफ़ी दूर आ चुके हैं, काजल डोबा के पास ही है ये, देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम रास्ते में थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, अभी थोड़ा दूर आगे जाएंगे। तो देखते रहिए वीडियो में। गाइस रास्ता काफ़ी अच्छा है, जैसे देख सकते हैं अभी हम बाइक में हैं। सो बहुत ही अच्छा रास्ता है यहाँ पे, सिंधु जैसा है। अभी टर्निंग का आ जाए तो देखते आगे क्या होता है। रास्ता एकदम फूल है, कोई खराबी नहीं है, एकदम अच्छा रास्ता है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। फिलहाल आगे हम लोग कैनल के साइड में जो देखते हैं, ये कैनल है। तो कैनल से पार से जाना पड़ेगा बहुत दूर, तभी देखते हैं क्या क्या है समय। डार्किंग वगैरह रास्ता ही है, ख़राब हो चुका है बारिश के कारण शायद, थोड़ा सा दिक्कत वाला रास्ता है क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर से जाता है, एकदम अकेला है बहुत, मतलब इसको बोलते हैं ना भयानक रास्ता है ये। देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ अच्छे ही होने वाला है शायद। काफ़ी दूर तक आ चुका है सिलीगुड़ी से हम लोग यहाँ पे, तो देखते हैं निकल के आगे आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली जा सकता है यहाँ पे चार्ज होता है ये, बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पे, ठंडा है। तो पीछे का रास्ता है, उस साइड में रास्ता है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कितना दूर जाना पड़ता है। और भी रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, दोनों साइड में चार्ज हो रहा है, अच्छा रास्ता ये, सब फॉरेस्ट निकल कर आ गया है बहुत दूर, तो और भी दूर जाना है।
घर आता है। रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा है, बहुत दूर है, तो देखते हैं। बहुत ही अच्छा है, लेकिन वेदर अच्छा है आज का, ठंडे का मौसम है। सुबह सुबह निकल गया घूमने के लिए। तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं बोधागंज मंदिर, जो गाजोलडोबा का बी साइड है, तो वहाँ पे देखते हैं एक बार विजिट करके कैसा है। नहीं है अच्छा लगेगा तो दोबारा एक दिन आएंगे, लेकिन रास्ता तो अच्छा है, बीच बीच में खराब ही आता है, दिक्कत नहीं है। 100% ग्राम साइड है। आज का मजा इतना अच्छा है ना, कौन सा मिल रहा है, बाइक से आगे का और जो स्पीड लिमिट 40-50 के करीब है। सो यहाँ पे ट्रैफिक का कोई रिस्क नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, जो है वो गाजोलडोबा का बिसाइड में है, अदरवाइज इधर में कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं मिल रहा है। जैसा दूर है बोधागंज मंदिर, तो 3 से 4 किलोमीटर, तो काफ़ी दूर नहीं है, 10-15 मिनट लगेगा पहुँचने में। तो वेदर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, फुल 100% ग्रामीण इलाका है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग भी आ सकते हैं। बाइक में आने से थोड़ा सा मज़ेदार आता है, और कार में आने से तो अभी मज़ेदार कोई बात ही नहीं आता, लेकिन बाइक में एडवेंचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये सारा मज़ा बाइक में आता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जोर का हवा चल रहा है, सो लग रहा है जैसे दूसरे देश में आ गए। सिलीगुड़ी में जैसा देखा नहीं जाता, इतना फाका जगह रहता है, तो चारों ओर पूरा जासूस होता है, जो धान वगैरह यहाँ पे बुनते हैं सारे लोग। तो यहाँ पे 90% आदमी लोग चास करता है, ऐसे देखा जाता है, सब घर में ऐसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे घर बहुत दूर दूर में है, सीन कुछ ऐसा है। बाइक में एडवेंचर बहुत ही अच्छा लगता है। सो सिलीगुड़ी से करीब मोटा मोटी 45 किलोमीटर दूर आता है यहाँ पे। सो गाजोलडोबा का बगल से जो रास्ता था शॉर्टकट, वो तो आज क्लोज था, क्योंकि वहाँ पर ब्रिज बन रहा है, मेरे को घूम के आना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। सो देखते आगे क्या होता है, कुछ अच्छे होने वाला है। जो मेरे सामने है ना, एक साल पुराना गाड़ी है, ऑडी है, ऑडी देख के चमका जाएगा। ये जो मेरा साइड से गुजर रहा है, ये ऑडी है। यहाँ का हर घर में ऐसा ऑडी मिलता है, जो साइड में दिख रहा है ना ऐसा, तो बहुत कम का गाड़ी है, बहुत मतलब ज़बरदस्त शक्ति है इसका। एटमोसफेयर बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा डीपली है। सो मंदिर का वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने मिलता है।
गाइस फाइनली पूजा सारा हो गया यहाँ पे। भीतर का फेस कैम वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि से देख पा रहे ये मंदिर है बेसिकली। तो हम सही टाइम में हैं क्योंकि थोड़े दिन बाद यहाँ पे मेला होने वाला बहुत सारा, तो देखते हैं आसपास का घूम के क्या सीन है। यहाँ का एटमोसफियर बहुत ही अच्छा है, भीतर का पूजा वूजा वगैरह सब कुछ हो गया मेरा, तो भीतर में फेस कैम नहीं बना पाया इसलिए सॉरी। तो बेसिकली वहाँ पे हम बिजी थे, पूरा भीड़ था जब मैंने वीडियो में देखा, बहुत ही भीड़ था। तो यहाँ पे आना चाहिए सबको, तो बहुत ही अच्छा जगह है ये। बिहाइंड द सीन जो है वो जो मेरे पीछे दिख रहा है उस साइड में मंदिर है, तो चारों ओर फॉरेस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आदमी लोग ज़्यादातर पूजा करने आता है, उसके बाद रेस्ट करता है, यहाँ पे पिकनिक विकनिक मनाता है यहाँ पे। और मेरा इस साइड में एक कुकुर है, कुकुर को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं, बंदा आता है। अच्छा तो बस ऐसे ही कुछ है, तो बस चल रहा है ब्लॉग। तो आज बहुत दिन बाद एक ब्लॉग आने वाला है, तो बेसिकली मेरा ऐसा होता है कि 30 दिन में 40 तो ब्लॉग आना ही चाहिए, लेकिन पिछले बार क्या हुआ ब्लॉग दो ही ब्लॉग आया वीकेंड में, तो आज संडे के दिन है इसलिए हम निकल पड़े सुबह सुबह अच्छे से ब्लॉग बने। तो देखते रहिए, मेरे को उम्मीद है अच्छा लगेगा आप लोगों को ब्लॉग। तो हम बाइक में आया, ज़्यादा देर नहीं लगा, जो मेरा यहाँ पर डिस्टेंस है कवर हुआ है, तो कवर 35 या 40 80 किलोमीटर टोटल अप डाउन है, तो मोटा मोटी 2 लीटर पेट्रोल में हो गया, सारा कवर हो गया। फिलहाल हम मंदिर के यहाँ पर आ गया और मेरा पूजा देना भी हो गया, अच्छा लगता है यहाँ पे आने के लिए। सीन कुछ ऐसा है, जरूरी सूचना देना है आप लोगों को, तो हम यहाँ पे रास्ते से गुजर रहे थे तो गाछ में बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा था सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, जो हेलमेट पहनने का यहाँ पे ज़रूरी है, और यहाँ पे जो प्लास्टिक एंड पॉलीथीन जो भी है वो कैरी बैग यहाँ पे कैरी करना मतलब मना है, और आपका जो है यहाँ पे वाइन जो शराब होता है वो पीना मना है यहाँ पे। बेसिकली ये लोग का यहाँ पर का सिस्टम है कुछ जो मेंटेन करना पड़ेगा, तो क्योंकि हम लोग का साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग साफ़ रहेंगे तभी सब सुधरेंगे, हम लोग से स्टार्ट होता है, हम लोग अगर कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा भैया। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कचरा पड़ा हुआ है, तो बेसिकली ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत दूर दूर से यहाँ पे आदमी लोग आता है, क्योंकि हम जब भीतर में गया तो बहुत सारा गाड़ी वाड़ी देखा जो बाहर से आया है, कुछ बिहार अलीपुर एंड जलपाईगुड़ी से बहुत आदमी लोग आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है कुछ फेस्टिव मनाने के लिए अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर कचरा पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जो आपको भी अच्छा नहीं लगता, जो हम लोग को भी और दूसरा जो आदमी है सबको अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या है थोड़ा सा मेंटेन करने से अच्छा है। आप अगर कुछ भी लेके आते तो आपका कैरी बैग में डाल के फिर कोई डस्टबिन मिलेगा तो बाहर जाकर डस्टबिन फेंक दीजिएगा, ऐसा करने से क्या होता है जो हम लोग का मतलब परिवेश होता है वो मेंटेन रहता है, 200% मेंटेन रहता है, ये सब मेंटेन करना जरूरी होता है। और यहाँ का वेदर बोलते टोटल 100% एकदम सिक्योर है, वेदर एकदम ठंडा कूल एकदम शांत वेदर है। और यहाँ पे बोला और एक चीज़ बोला गया जो आसपास का जंतु जानवर है, यहाँ पे बादल है ना बंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, और रात के टाइम पे यहाँ पे हाथी भी निकलता होगा शायद, मेरे को जो लगता है कि उस साइड में तो निकलता है, तो ये भी एक ही चीज़ है, एक ही फॉरेस्ट है तो यहाँ पे भी निकल सकता है। तो बेसिकली ऐसा होता है कुछ लगता है, हाथी बड़ा है रात बेरे बोए। सो बेसिकली जैसा बोला गया अभी रात को हाथी निकलता है यहाँ पे, तो थोड़ा दिन बाद यहाँ पे मेला लगेगा, जो दुकान पाट यहाँ पे हो रहा है इस साइड में देख सकते हैं पूरा गाड़ी भरती, जो उस साइड में टेम्पल है जो मंदिर उस साइड में है, तो हम इस साइड में रास्ते से गुजर रहे थोड़ा सा आगे जाकर घूम के आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अभी आपको दिन में कुछ जंतु जानवर देखने को मिलेगा, और रात को बेसिकली यहाँ पे हाथी गुजरता है यहाँ से, तो इसके लिए आप लोगों को सेफ रहना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ के एटमोसफियर का बात किया जाए तो टोटल 200% एकदम सेफ है, 200% एकदम सेफ फूल है यहाँ पे, और थोड़ा सा गंदगी भरा हुआ है, थोड़ा साफ उफ करना जरूरी होता है क्योंकि बार बार से लोग आता है देखेगा साफ सुथरा, तो अच्छा फील होगा ना, सबको अच्छा फील होगा, आप लोगों को अच्छा फील होगा, जो आएगा टूरिस्ट वगैरह जो आएगा बाहर से वो लोग को भी अच्छा फील होगा। तो बस ऐसा ही कुछ है, इस साइड का सीन कुछ ऐसा है, फॉरेस्ट है चारों ओर, टोटल एकदम 100% अच्छा है, नेचुरल है यहाँ का। हम जो है यहाँ पे पुराना वाला जो मंदिर था यहाँ का बेसिकली वहाँ पे है ये मंदिर दिख रहा है, और इस साइड में एक मंदिर है, तो यहाँ पे जो भोले बाबा का जो जागृत स्थान है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेला हो गया था कुछ दिन बाद वहाँ पे होगा, तो सेम मंदिर है थोड़ा सा अलग अलग हो गया, तो बेसिकली कुछ ऐसा सीन है चारों ओर का, बंद है दिक्कत नहीं है, और वहाँ पे भोग हो रहा है, सीन है बहुत अच्छा है, कूल अच्छी जगह है यहाँ पे, यहाँ पे आदमी लोग आता है घूमने, तो देखते हैं कुछ है।